अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान अज़हर अली एक और वीडियो के साथ हाजिर है। आज हम एक ऐसे मकाम को आप ऐसे मकाम की आपको शेयर कराएंगे जो कि पाकिस्तान का मोस्ट कोल्ड रीजन, कोल्डेस्ट रीजन भी इस इलाके को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़बारी ज़्यादा होती है। तकरीबन पूरे साल में से 9 महीने इस जगह पर बर्फ़ रहती है, 3 महीने बर्फ़ के बग़ैर होता है ये एरिया, गर्मियों के 3 महीने, बाकी पूरा साल यहाँ पर बर्फ़ मौजूद होती है। तो हमने अपना सफ़र, हमारा जो गांव है गुलतरी शिंगोशिगर से हमने अपना सफ़र शुरू किया है और हम जा रहे हैं सिकरदू की तरफ, सिकरदू सिटी की तरफ। तो ये आप जो मकाम देख रहे हैं ये बड़ी ला टॉप है और आसपास का आप मनाजिर देख सकते हैं। यहाँ पर हर तरफ बर्फ़ आपको नज़र आएगी और उसके साथ हर तरफ आइस रोट नज़र आएगी। तो यहाँ पर चलने का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइवर को, और उसके अलावा यहाँ पर बिल्कुल वन वे रोड है। अगर इस तरह कोई गाड़ी आ जाती है तो बड़ी मुसीबत होती है उसको जगह देना, साइड करना, क्योंकि अगर रोड से गाड़ी मामूली भी हटती है तो काफ़ी खाई में जा के गिरती है। तो ये ड्राइवरों का काफ़ी कमाल है कि वो इस रोड पर महारत के साथ गाड़ी चलाते हैं। मेरा तो इन ड्राइवरों को सुर्ख सलाम हो, क्योंकि हर तरफ बर्फ़ होती है, बर्फ़ में गाड़ी स्लिप होना काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस वक्त हम जो जा रहे हैं ये बड़ी ला के बिल्कुल टॉप पर हम पहुँचे हैं। यहाँ पर हाइट भी ज़्यादा है और ठंड भी ज़्यादा है यहाँ पर, और तकरीबन -20 से -25 यहाँ का टम्परेचर है, और बाहर निकलना तो काफ़ी नामुमकिन बात है। गाड़ी में आप हीटर वेटर वगैरह जला हुआ है, तभी हम आराम से बैठ के यहाँ पर वीडियो भी बना रहे हैं आप लोगों के लिए, और हम इस मनाजिर को एंजॉय भी कर रहे हैं, साथ साथ डर भी लग रहा है। आगे ये गाड़ी बर्फ़ से मामूली भी हटती है, जो लाइनें आपको नज़र आ रही है रोड में, यहाँ से अगर मामूली भी हटती हैं तो फिर वापस लाना काफ़ी मुश्किल होगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहें, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी एडवेंचरस वीडियो होने वाली है। हम पूरा सिकरदू पहुंचने तक आपको आसपास के मनाजिर और किन मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ेगा और ड्राइवर हजरात को क्या मुश्किलात होती हैं और इन गांव वालों के लिए क्या, जो कि यहां पर डेली बेसिस पे यहां पर सफ़र करते हैं, उनके लिए जो मुश्किलात हैं वो पूरा इस वीडियो में दिखाएंगे। आगे आप ये भी देखेंगे कि क्योंकि वहाँ पर आइस रोड ज़्यादा है, वहाँ पर गाड़ी भी स्लिप होती है, तो लोग कैसे अपनी मदद आप उस रोड को मतलब मिट्टी लगाते हैं और उससे गाड़ी को पास करते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप देखेंगे। तो नाज़रीन यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने जो एक गाड़ी हमारी तरफ आ रही है, सिकरदू से अभी अभी यहाँ पर पहुँची हैं टॉप पर। तो यहाँ पर हमें इसे जगह देना होगा इस गाड़ी को, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ में अभी ड्राइवर जो है बार बार इसको रिवर्स में लगा रहा है, उसके बाद जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 2-3 फीट साइटों में बर्फ़ है तो काफ़ी मुश्किल होगी, तो स्लिप विलिप होने का भी चांस है, तो गाड़ी भी स्लिप हो रही बार बार, तो हम उसको जगह देंगे उस गाड़ी को, क्योंकि यहाँ पर वन वे रास्ता है और बर्फ़ में बिल्कुल दो निशान, टायरों के निशान बने हुए हैं, इसी से अगर आगे पीछे अगर गाड़ी हटती है तो फिर यहाँ पर टाइम भी लगेगा, फिर वो वापस लाने में काफ़ी मुश्किल भी होगी। तो नाज़रीन यहाँ पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बाल बाल बच गए, क्योंकि यहाँ पर आइस रोड पर बिल्कुल गाड़ी 2 दफ़ा स्लिप हो गई थी, लेकिन वो मनाजिर में वीडियो पे कैप्चर ना कर सका। तो यहाँ गाड़ी रोड ट्रैक से हट के नीचे बर्फ़ पाई है, लेकिन इंशाल्लाह आसानी से यहाँ से निकल जाएगी।
क्योंकि वो धक्का लगा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आसानी से यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि आसपास हमने मिट्टी भी लगाई है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है गाड़ी ईज़िली वहाँ से निकल चुकी है। तो हमने पूरा टॉप क्रॉस कर लिया है हाई जो पॉइंट, अब हम उतराई की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर गाड़ी बिल्कुल आराम से चलानी होती है उतराई में, क्योंकि आप बर्फ़ देख सकते हैं रोड में, अगर यहाँ पर ब्रेक व्रेक लगाते हैं तो फिर वो गाड़ी स्लिप होने का चांस होता है, फिर नीचे का आप ख़ुद देख सकते हैं काफ़ी बड़ी खाई है। अगर यहाँ पर गाड़ी ख़राब होती है या कोई भी इशू आ जाता है, एक्सीडेंट वगैरह होती है, तो फिर यहाँ पर बिल्कुल बंदा फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई हर तरफ 5-6 घंटे यहाँ पर सफ़र करने के बाद फिर हम शहर में पहुँचते हैं, तो यहाँ ना कोई मैकेनिक यहाँ पे मिलेगा और कुछ भी सहूलियात यहाँ पर मौजूद नहीं। आप आसपास के मनाजिर देख सकते हैं, हर तरफ आइस वो बने हुए हैं, आइस हर तरफ आप देख सकते हैं, पूरा रोड से जो आसपास के जो एरिया है पूरा जमा हुआ है और काफ़ी सख्त बर्फ़ है वहाँ पर, क्योंकि काफ़ी ठंड है, ठंडा इलाका है। एक दफ़ा फिर यहाँ पर गाड़ी हमारी स्लिप होकर ट्रैक से हट चुकी है। तो इस तरह मुख्तलिफ ये अपने मुसाफिर ख़ुद अपनी मदद आप देसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए मिट्टी बिछाते हुए इस तरह गाड़ी को वहाँ से निकाल लेते हैं अगर गाड़ी स्लिप हो जाए तो। बाकी आप ख़ुद देख सकते हैं इन गाँव वालों के लिए काफ़ी मुश्किलात है, हर साल पूरा साल इनका सफ़र इसी तरह कटता है, इसी तरह बर्फ़ के रोड में जाना, फिर वो काफ़ी एक्सीडेंट भी इस रोड में हो चुके हैं, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है मुसाफिरों को। तो ये आप ख़ुद देख सकते हैं। तो हम काफ़ी तकरीबन ये पूरा एरिया हम क्रॉस करके काफ़ी नीचे पहुँच चुके हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, इसलिए इसका जो पार्ट टू है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी चैनल में आपको दिखाएंगे। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और शुमाली इलाका जात के जो रिमोट गांव है इसको हम एक्सप्लोर करते रहेंगे।